तो हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कितने वाट के बराबर कितना किलो वाट होता है। क्वेश्चन लिख लेते हैं, कितने वाट बराबर वाट के बराबर 1 किलो वाट होता है। इंग्लिश में वाट लिखने का मतलब है कि आप लोग को समझ में आए कि हम किस वाट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक बिजली नापते समय हम लोग वाट किलो वाट में इसको ये करते हैं, देखते हैं। तो 1000 वाट बराबर 1 किलोवाट होता है। यानी फ्रेंड्स, आप लोग देखते होंगे घर में 250 वाट का पंखा है, 350 वाट का पंखा है, तो ये सब वाट में होता है। तो फिर इसको हम लोग किलोवाट में कन्वर्ट करते हैं, फिर किलोवाट से यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, तब जाकर हमें पता चलता है कि हाँ, एक यूनिट में हमारा जो बिजली खपत 8 या 10 रुपया बनता है, वो कितना बल्ब जलाने पे, कितना पंखा चलाने पे होगा, वो हम इसके हिसाब से निकाल सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग देख लेंगे कि एक यूनिट कितने किलोवाट के बराबर होता है या कितने वाट के बराबर होता है।